सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आप एक प्रिंटर जो ब्रदर का होता है अगर नया परचेस करते हैं तो आपको उसमें ऐसा दो किट मिलता है। इसको कैसे ट्रे में लगाते हैं, ये आपका ट्रे है। मैंने पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था कि इसको कैसे यहाँ पर इनपुट करते हैं, और आज के इस वीडियो में बताऊँगा आपको कि इसको कैसे रोलर को क्लीन करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको इसमें मैं यह भी बताना चाहूँगा कि इसको आप हमेशा यूज नहीं करना है। मतलब अगर आपको लगता है कि हमें क्लीनिंग की ज़रूरत है, जब भी आपको इसको यूज़ करना है। जो सेकेंड वाला किट है, इसको चाहो तो आप परमानेंट इस ट्रे में लगा कर रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो क्लीनिंग वाला है, जो ये फर्स्ट वाला है, इसको आपको जब यूज़ करना है, जब आपको लगे कि हाँ भाई हमें क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ रही है, रोलर जो है अच्छे से पेपर उठा नहीं रहे, जब, ठीक है। और इसको हल्का सा मैंने गीला कर लिया है, क्योंकि क्लीन करने से पहले आपको इसको थोड़ा सा गीला करना पड़ता है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं, और इसको क्लीनिंग कैसे करते हैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्या उसका फंक्शन है, कैसे उसको सेटअप करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने इसको लगा दिया है, और ध्यान रहे ट्रे में आपको कोई पेपर नहीं लगाना है। जब इसको आपको लगाना है तो ट्रे में कोई पेपर नहीं लगेगा, ठीक है, इसको खाली रखना है। अब इसको हम लोग प्रिंटर में उसमें अंदर डालते हैं। तो ये मेरा प्रिंटर है, प्रिंटर में इसको अब एंटर कर देंगे, ठीक है। ये देखिए एंटर हो गया। अब देखिए कैसे आपको परफॉर्म करना है, हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इसको नॉर्मल हो जाने दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको एग्जिट कर देंगे, सब नॉर्मल, ऐसा नॉर्मल लिखा है जब आपको फंक्शन स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको मेनू पर क्लिक करना है, मेंटेनेंस आ जाएगा, ठीक है। और नीचे डाउन करेंगे, ये क्लीनिंग है, लेकिन अपन को रोल क्लिक करना है, तो क्लीन रोलर इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे, फिर उसके बाद प्रेस रिपेयर रोलर, ठीक है, यहाँ पर भी ओके कर देंगे, परफॉर्म सेटअप फोन ओके कर देंगे, ठीक है। अब प्रेस स्टार्ट के लिए आपको मोनो पे क्लिक करना होगा, ये देखिए प्रेस स्टार्ट है, मोनो पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए अब स्टार्ट हो गया। ये डू नॉट पुट पेपर इन द मैनुअल फीड, ठीक है। इसमें आपको स्लॉट में इसमें आपको पेपर नहीं डालना, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया था। ये देखिए क्लीन हो रहा है, अब ऐसे आपको आवाज़ सुन सकते हैं, है ना, ये क्लीन हो रहा है। कितनी देर परफॉर्म होता है, मतलब कितनी देर तक क्लीन करना है, वो आपको मैं बताऊंगा जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। अब गाइस देखिए परफॉर्म टू आ रहा है, उस समय तो परफॉर्म एक आ रहा था, अब परफॉर्म टू आ रहा है, ठीक है। मतलब ये 2 मिनट लगे थे, उसके बाद ये आ रहा है, तो इसको भी हम लोग ओके कर देते हैं, और प्रेस स्टार्ट के लिए मोनो पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो परफॉर्म वन कर दिए, और परफॉर्म टू आई मीन जो था वो कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए फिनिश का ऑप्शन आ गया, और मुझे ओके के लिए बोल रहे हैं, तो अपन इसको ओके कर देते हैं। थोड़ा देखते हैं कुछ गंदा वगैरह मेरा वो जो किट है हुआ है या नहीं हुआ है, थोड़ा साफ किए हैं तो देखें कैसा हो रहा है। हाँ ये देखिए कुछ मटेरियल मिला है हम लोग को, एक मिनट। ये देखिए जो रोलर है यहाँ पर आया था, ये देखिए एक ये और एक यहाँ पर साफ हुआ है। तो मतलब इसको मेरे को परचेस किए हुए भी 1.5 महीने हुए हैं, तो इसलिए मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए इसको मैंने क्लीन किया था, बाकी मुझे ज़रूरत अभी नहीं थी। तो ये जो चीज़ है आपके ज़रूरत के हिसाब से करना, ऐसा नहीं कि भाई जब मन में जब ही कर दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब समझ गए होंगे कि इस किट को कैसे यूज़ करके अपने रोलर को साफ़ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के लिए, थैंक यू।